हाबिल और काबिल आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे और काबिल ने अपने भाई हाबिल का कत्ल किया था जो कि दुनिया का फर्स्ट मर्डर था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि काबिल ने पहला मर्डर किया था तो इसके बाद जितने भी मर्डर्स होंगे उसका कुछ ना कुछ गुनाह काबिल के अकाउंट में भी जाएगा, क्योंकि इसकी शुरुआत उसी ने की थी। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप कोई ऐसा ट्रेंड सेट कर रहे हैं अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने यूनिवर्सिटी में, ऑन टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो कि अल्लाह को नापसंद हो और जिससे लोगों पर बुरा असर पड़ रहा हो, गलत असर हो रहा हो, तो याद रखिए जो भी आपकी वीडियो को देखेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा, जो भी जहां भी आपकी वीडियो देखी जाएगी उन सब का गुनाह आपके सर चढ़ेगा, आपके नामायामाल में लिखा जाएगा। स्पेशली जब आप कोई वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं तो वो पूरी दुनिया में फैल जाती है। सोचें आप रात को सो रहे हैं और आपके नाम से गुनाह लिखा जा रहा है, क्योंकि आपकी वीडियो कहीं ना कहीं देखी जा रही है और शेयर की जा रही है और जिसकी वजह से आपके नामाए अमाल में गुनाह लिखा जा रहा है। इवन कि आपके मरने के बाद भी आपके नामाए अमाल में ये गुनाह ऐड होते रहेंगे। तो कुछ भी शेयर करने से पहले एक बार ज़रूर सोचें कि क्या ये अल्लाह के पसंदीदा काम है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी वजह से कोई ऐसे गुनाहों से बच सके।